संपर्क दीदी की शब्दशाला। पदार्थों का पृथक्करण, कठिन शब्द। देखो बच्चों, ये है मिट्टी। आप जानते हैं ना कि मिट्टी में कई चीजें मिली होती हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, पौधों और जीवों के अवशेष। तो बच्चों, कोई ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्र मतलब मिलना, तो मिश्रण यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना। मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? इसमें अनुपयोगी कंकड़ पत्थरों को उपयोगी रेत से अलग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे पृथक्करण कहते हैं। पृथक मतलब अलग और करण यानी करना, तो पृथक्करण यानी मिश्रण के पदार्थों को अलग करना। पृथक्करण, पृथक्करण, पृथक्करण। देखो बच्चों, इस चित्र में हाथों द्वारा चावलों में से छोटे कंकड़ों और अन्य अशुद्धियों को चुनकर अलग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? इसे हस्त चयन कहते हैं बच्चों। हस्त मतलब हाथ और चयन मतलब चुनना। तो हस्त चयन यानी हाथों द्वारा अनुपयोगी और उपयोगी पदार्थों को अलग करना। हस्त चयन, हस्त चयन, हस्त चयन। अब ये चित्र देखो बच्चों, इसमें गेहूं की डंडियों को पीटकर अनाज के दानों को उनसे अलग किया जा रहा है। ये पृथक्करण की कौन सी विधि को दर्शा रहा है? इस विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। जानते हो बच्चों, आजकल थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर नाम की आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग। अच्छा, अब देखो इस चित्र में अनाज और भूसे के मिश्रण को ऊपर उठाकर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, जिससे कि हल्का भूसा वायु द्वारा दूर उड़कर अनाज के दानों से अलग हो रहा है। पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन, 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 निष्पावन। अब ये रहा अगला चित्र। देखो, इसमें छन्नी की सहायता से आटे में से चोकर अलग किया जा रहा है। ये पृथक्करण की कौन सी विधि को दर्शा रहा है? ये है चालन, 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 चालन। अब अगले चित्र में क्या है? हाँ, ये है चटपटी शिकंजी, जो कि पानी में चीनी, नमक और नींबू के रस को घोलकर बनाई गई है। देखो, सभी पदार्थ पानी में पूरी तरह घुले हुए हैं। तो बच्चों, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ
पूरी तरह घुले हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलयन, 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 विलयन। अगला चित्र देखें। इस चित्र में गंदले पानी से भरा कांच का गिलास दिखाया गया है। देखो, पानी स्थिर है, जिससे कि पानी की अशुद्धियां गिलास की तली में बैठ गई हैं। क्या आप जानते हैं इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे अवसादन कहते हैं। जलयुक्त मिश्रण में मिले भारी अवयवों का इस तरह नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। बच्चों, अवयवों मतलब अवशेष। अवसादन, अवसादन, अवसादन। अब इस अगले चित्र में अवसादन के बाद जल को बिना हिलाए धीरे धीरे एक दूसरे गिलास में उड़ेला जा रहा है। दूसरे गिलास में अब साफ जल मिल गया। क्या आप जानते हैं कि ये पृथक्करण की कौन सी विधि है? ये है निस्तारण, 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 निस्तारण। अरे, पृथक्करण की इस प्रक्रिया को तो आप रोज होते हुए देखते हो। देखो, चाय पत्ती को छलनी द्वारा चाय से अलग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन, निस्यंदन, निस्यंदन। अरे वाह, इस अगले चित्र में तो चाय बनाई जा रही है। देखो, केतली की टोंटी में से वाष्प यानी भाप भी निकल रही है। क्या आप जानते हैं कि पानी का गर्म होकर वाष्प में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बच्चों, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन, वाष्पन, वाष्पन। इस अगले चित्र में भाप छोड़ती केतली की टोंटी के ठीक ऊपर एक प्लेट पकड़ी गई है, जिस पर बर्फ भी रखी है। प्लेट से टकराकर वाष्प ठंडी होकर दोबारा पानी में बदलकर बूंदों के रूप में ढक्कन पर इकट्ठी हो जाती है। जल वाष्प के दोबारा पानी में बदलने की ये प्रक्रिया जल चक्र में भी पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र में वाष्प के कण धरती से ऊपर उठकर ठंडे हो जाते हैं और बूंदों के रूप में संघनित होकर बादल बना देते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन, संघनन, संघनन। देखो बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पानी से लगभग आधे भरे गिलास में नमक को घोला जा रहा है। लेकिन क्या इस जल में नमक की कितनी भी मात्रा को घोला जा सकता है? नहीं ना, एक निश्चित मात्रा के बाद पानी में नमक घुलना बंद हो जाता है, मानो पानी तृप्त हो गया हो। तो बच्चों, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घोला जा सके, वो क्या कहलाता है?
वो कहलाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।